तो काऊ यहाँ पे बैठी है, चलिए उसके लिए प्लेट लगा देते हैं। वो भी भैया इसके पैसे मांग रहे थे, ये जो बनाना लिप्स हैं इसके भी पैसे मांग रहे थे, वो 2 रुपये। बहुत ज़्यादा जिग जैग रोड है, एकदम दिमाग हिल गया हमारा। अभी उतरे हैं कॉफ़ी पीने के लिए। अभी गए थे हम सांभर के लिए, तो मैं 20 रुपीज़ का 2 सांभर ले लिया हूँ और मेरे पास 12 इडलियाँ बची हुई हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि उतना तो मैं खा नहीं पाऊँगा और सुबह तक रखूँगा तो ख़राब हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि आधा खा लूँगा मैं और आधा किसी को डोनेट कर देते हैं इसकी। और एक काऊ है, काऊ गाय और एक काऊ है गैया मता और एक काऊ है जो पूरा गोल्ड का नहीं। गाँव में आने पे एकदम मज़ा आ जाता है, एकदम लगता है कि हाँ यूपी में हम ट्रैवल कर रहे हैं। केरला में मैं ट्रैवल कर रहा था तो लगता था कि हाँ कुछ नए जगह पे आए हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट प्लेस थे, लेकिन यहाँ पे मैं गांव में भी ट्रैवल कर रहा हूँ। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग, दिस इज आयुष। आई होप आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो हम हैं अभी तमिलनाडु के त्रिपट्टूर डिस्ट्रिक्ट में और इस समय हम येलगिरी हिल्स पे हैं। अभी यहाँ से चलेंगे हम वेलूर। आप कहेंगे कि वीडियोस क्यों नहीं बनाया, तो मेरा फ़ोन चार्ज नहीं था, क्योंकि हम रुके थे बस स्टैंड पे और वहाँ पे चार्ज का कोई सिस्टम नहीं था। और रात को जैसे मैं फ़ोन से अपना वीडियो एडिट करके फ़ोन बैग में डाल के उसके बाद मैं एक शॉपकीपर के पास ये पूरा दोनों बैग रख दिया था और टेंट और स्लीपिंग बैग निकाल के मैं वहाँ पे सोया था। वहाँ पे कोई भी चार्जिंग का कनेक्शन नहीं था, इसकी वजह से मैं फ़ोन चार्ज नहीं लगाया था। तो यहाँ पे एक फ्रेंड थे, उन्हीं के पास मैं चार्जिंग लगाया हूँ, तो अभी थोड़ा सा चार्ज हुआ है। अब चलेंगे वेलूर और मैं विजिट कर लिया पूरा येलगिरी हिल्स, बहुत ही प्यारा हिल्स है। मैं वीडियोज़ नहीं बना पाया हूँ, क्या करें, फ़ोन ही चार्ज नहीं था। अब यहाँ से हम 15 किलोमीटर नीचे जाएंगे पहाड़ के नीचे, उसके बाद फिर वेलूर गोल्डन टेम्पल आपको विजिट करके दिखाएंगे, बहुत ही प्यारा टेम्पल है। तो चलिए लिफ्ट लेते हैं। तो लेकिन अभी हम हैं पहाड़ के ऊपर, तो 14 किलोमीटर नीचे चलेंगे, तब कहीं से देखते हैं अगर कोई जाता है, लिफ्ट मिल जाता है तो चलते हैं। तो अंकल जी ने हमें पुनेरी के लिए लिफ्ट दे दिया है 14 किलोमीटर का, जो हिल के नीचे जाता है। तो अंकल जी के लिए लाइक कर दीजिएगा और हम बैठे हैं इनकी लॉरी में, चलेंगे नीचे। देखिए कुछ ऐसा रोड है, एकदम जिग जैग पूरा एकदम दिमाग हिल जाता है भाई साहब, बहुत ज़्यादा जिग जैग है। बस अब कुछ देर में यहाँ पहुँचेंगे, उसके बाद ये वाला रूट से वह दूर चलेंगे। बहुत ज़्यादा जिग जैग रोड है, एकदम दिमाग हिल गया हमारा। अभी उतरे हैं कॉफ़ी पीने के लिए। उतार दिए हमको, अब यहाँ सब सेकेंड लिफ्ट लेंगे, वो दूसरे रूट में जाएंगे। ऑल डिस्ट्रिक्ट कवर करना भाई आम बात नहीं है, एकदम हालत ख़राब हो जा रही है। इतनी तगड़ी धूप में लिफ्ट ले रहे हैं, वो भी हाईवे पे, एकदम मत पूछिए। कभी कभी तो लिफ्ट नहीं मिल रहा तो 1-2 घंटे तक रोड ही पे खड़े रह जा रहे हैं। तो अब क्या करेंगे, जब मैं कर्नाटका एक्सप्लोर करूँगा तो बड़ा बड़ा लिफ्ट लेंगे, बड़ा बड़ा टूर करेंगे, जो टॉप 10 टॉप 20 में होगा बस उसी को कवर करेंगे और किसी चीज़ को कवर नहीं करेंगे। क्योंकि केरला में मैं इसलिए ऑल डिस्ट्रिक्ट को कवर किया क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट में टूरिस्ट प्लेस है, प्लस उसमें केवल 14 डिस्ट्रिक्ट थे और तमिलनाडु में 38 डिस्ट्रिक्ट थे, इसको भी मैंने कवर कर लिया। चलो कोई बात नहीं, इसको कवर कर लेते हैं। 7-8 डिस्ट्रिक्ट में तो यहाँ पे कोई टूरिस्ट प्लेस नहीं था, लेकिन उसको भी कवर किए हैं। जहाँ की वीडियोज़ नहीं बनाया वहाँ पर मैंने नाइट स्टे किया है। तो अब चलेंगे और लिफ्ट लेंगे वेलूर से चेन्नई से चलेंगे बेंगलोर। अब बेंगलोर से स्टार्ट करेंगे कर्नाटका के लिए। तो भाई अन्ना, तो ये अन्ना ने हमें 20 किलोमीटर का लिफ्ट दिया है और इसे देखिए दरवाज़ा का कैसा ये कुंडी बंद होता है। और ये देखिए अन्ना का 30 साल पुराना गदर वाला ट्रक इसमें सफ़र किए हैं। ओके अन्ना, बाय। अब चलते हैं, अब तीसरा लिफ्ट लेते हैं। 400 meters, continue straight. जो पीछे आपको ट्रक दिख रहा है मस्त, उसमें 30 साल पुराना ट्रक है वो गदर वाला, और जो पुष्पा वाला जो ट्रक है वही वाला है। मजा आ गया सफ़र करके, रॉकेट की तरह आवाज़ आ रहा है, एकदम जैसे कोई प्लेन या रॉकेट हवा में फ्लाई करने के लिए रेडी होता है, एकदम वैसी आवाज़ आ रहा था। मस्त मज़ा आ गया, वो भी एक नेक्स्ट लेवल का एक्सपीरियंस था। भैया ने लिफ्ट देने के लिए रोका है, भैया आई एम गोइंग टू वेलूर। तो भैया ने वेलूर के लिए लिफ्ट दे दिया है 52 किलोमीटर का, चलिए चलते हैं।
ओके भैया चल भी। ये ना हमें वेलूर डिस्ट्रिक्ट तक लिफ्ट दे दिया है। थैंक यू भैया, थैंक यू भैया। अब चलेंगे गोल्डन टेंपल के लिए। तो हम गोल्डन टेंपल के जस्ट नज़दीक आ गए हैं। यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पे है और यहाँ पे देखिए बोर्ड पे भी लिखा गया है गोल्डन टेंपल 3 किलोमीटर। तो ये वाला रूट चलेगा और ये विलेज से पूरा होते हुए जा रहा है। अगल बगल के जितने डॉगी हैं वो बार्क कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए वाओ, हेन एंड कॉक्स, मुर्गा है मुर्गा। ये गांव में आने पे एकदम मज़ा आ जाता है, एकदम लगता है कि हाँ यूपी में हम ट्रैवल कर रहे हैं। केरला में मैं ट्रैवल कर रहा था तो लगता था कि हाँ कुछ नए जगह पे आए हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट प्लेस थे। लेकिन यहाँ पे मैं गांव में भी ट्रैवल कर रहा हूँ। देखिए एक मेरा लिफ्ट चला गया। तो मैं गाँव में ट्रैवल कर रहा था तो लगता है कि हाँ यूपी की तरह, क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ की खेती होती है। हाँ थोड़ी गेहूँ की कमी होती है, लेकिन हर चीज़ की खेती होती है, गेहूँ का थोड़ा कम होता है। और ये देखिए नारियल का पेड़, यहाँ पे पीछे देखिए गाय है, और यहाँ पे देखिए फसल लगाया गया है। एकदम मस्त मज़ा आता है। हाँ लेकिन थोड़ा जो लैंग्वेज प्रॉब्लम हो जाता है तमिलनाडु में, और मंदिर का जो स्ट्रक्चर होता है वो चेंज हो जाता है, थोड़ा हिल्स मिल जाते हैं। वैसे यूपी में भी हिल्स हैं लेकिन वो नॉर्थ साइड में हैं, लेकिन एकदम लगता है कि हाँ यूपी में ट्रेवल कर रहे हैं। और हिचाइकिंग करने में भी मज़ा आता है। लेकिन तो फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं। और ये मेरा छोटा वाला बाइक का देखिए ये टूट गया वन हैंगर। और अब कहीं रुकते हैं, थोड़ा फ्रेश हो लेते हैं और थोड़ा फ्रेश अप करके और थोड़ा लंच कर लेते हैं। और ये है मेन गेट, आगे गणेश जी का बड़ा सा स्कल्पचर है। चलिए अब चलेंगे, एंट्री करेंगे, लेकिन थोड़ा सा वो थोड़ा फ्रेश अप कर ले, वो सब स्किन देखिए ऑयली ऑयली हो गया है। फ्रेश अप हो चुका है और मस्त एकदम फेस वॉश कर लिए हैं। यहाँ पे मिरर है और ये बेसिन है। अब चलते हैं दर्शन करेंगे। और फोन अलाउ होगा कि नहीं ये नहीं पता, और बैग तो कहीं रखना पड़ेगा। चलिए चलते हैं जल्दी। ये देखिए फ्री दर्शन का क्यू, कितना ज़्यादा मात्रा में भीड़ है। अपना सामान हमको भी कहीं रख के जल्दी लाइन में लग जाना चाहिए, क्योंकि आज ही हम निकलेंगे चेन्नई के लिए। चेन्नई विजिट करेंगे, उसके बाद बैंगलोर के लिए। तो थोड़ा जल्दी करना चाहते हैं, अपना सामान कहीं रख लेते हैं, लॉक रूम पहले पता कर लेते हैं, उसके बाद फिर से हमको फ्री दर्शन के लिए लाइन में लगना पड़ेगा। और यहाँ पे फ़ोन अलाउ नहीं है, अपना फ़ोन डिपॉजिट रूम में रखना पड़ेगा लॉक रूम में। और कुछ ऐसा बाहर का दृश्य है। और यहाँ पे मास्क भी अलाउ है, तो चलिए मास्क तो है मेरे पास, कैसे क्या होगा। अंदर फ़ोन अलाउ नहीं है, पूरा गोल्डन का जो टेम्पल है पूरा 15,000 kg लगा है इसमें गोल्ड। और ये नारायण जी का मूर्ति है, लक्ष्मी नारायण जी का, इसी को विजिट करने आए थे। अब चलिए इसको क्लॉक रूम में अपना सामान रखना पड़ेगा। तो गाइस दर्शन कर लिया, बहुत ही प्यारा स्कल्पचर है माता जी का, लक्ष्मी जी का, नारायण जी का, और अंदर गणेश जी भी है उनका भी है। और माता जी का जो वो स्कल्पचर है वो 70 kg का प्योर गोल्ड का बना हुआ है, और जो टेम्पल है वो 15,000 kg का है। और जो गणेश जी का जो स्कल्पचर है वो 1,700 kg का, वो सिल्वर का है। तो बहुत ही प्यारा टाइम पता, लेकिन कुछ कुछ जो बातें हैं वो हमको अच्छी नहीं लगी। कैसे कि जब क्यू लगा है तो ऐसे तो सभी लोग एक साथ में जा रहे हैं, लेकिन बाद में अलग अलग हो जा रहे हैं, फिर बाद में एक साथ हो जा रहे हैं। इतना ज़्यादा भीड़ था, उसी में लेडीज़ जेंट्स सब एक ही में ऐसे एकदम पूरा चिपक के जा रहे हैं एकदम। ये वाला हमको अच्छा नहीं लगा बात। और एक और बात है, ये ज़्यादा पुराना टेम्पल नहीं है, ये टेम्पल केवल 2000 ईयर में बना था, 2000 सन में बना था, और 24 अगस्त 2000 ईस्वी में इसका ओपनिंग हुआ था। तब से यहाँ पे लोग एंट्री करते हैं, दर्शन करते हैं। और इसे एक ट्रस्ट ने बनवाया था, एक संत जी हैं, और उन संत जी का भगवान सबसे ज़्यादा फोटो और हर जगह उनका पोस्टर लगाया गया है। जो ये पीछे संत जी दिखाई दे रहे हैं ना आपको, ये वाला बात नहीं लगा, भगवान से भी ज़्यादा इनका पोस्टर फोटो सब चारों तरफ लगाया गया है। और टेम्पल अच्छा है। और देखिए एक वहाँ पे रखा गया रथ, उसके ऊपर भी उनका स्टैचू है, मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए, इन्हें ये टेम्पल बनवाया है और इनका ही पूरा चारों तरफ पोस्टर लगा हुआ है भगवान से भी ज़्यादा। और ये देखिए कुछ ऐसा फोर व्हीलर को डिज़ाइन करके ऐसे बनाया गया है, देखिए इसमें हैंडल वैंडल भी है।
यो बस पेंटिंग है केवल कार्डबोर्ड पे, और रियल जो अंदर है गोल्ड का, और कुछ ऐसा बाहर का पार्किंग एरिया है। अब चलेंगे, विजिट कर लिए, ये ज़्यादा टेंपल पुराना नहीं है, एक दो पिक्चर्स क्लिक कर ले रहे हैं और कैमरा फोन अलाउ नहीं है, तब उसके लिए सॉरी। और यह टेम्पल 100 एकड़ में बना हुआ है, और 2 किलोमीटर से अधिक आपको गोल गोल चक्कर लगा के जाना पड़ेगा। मैंने जो आपको बोर्ड पे दिखाया है पूरा ऐसे 7-8 जो टेम्पल हैं उसी ऐसे गोल गोल चक्कर करके एकदम अंदर हालत ख़राब हो गया है। और जैसे किसी का इच्छा करता है ना कि मुझे एक सोने का टेम्पल बनवाना चाहिए, सोने का घर बनवाना चाहिए, जिस किसी किसी का कितना बड़ा बड़ा शौक होता है, वैसे जो संत जी है उनका भी बहुत बड़ा शौक था कि मुझे एक टेम्पल बनवाना चाहिए, और बहुत ही प्यारी टेम्पल बनाए हैं। लेकिन जो थोड़ा सिस्टम थोड़ा अच्छा रहता तो और भी बढ़िया रहता, अच्छा लगा है। वो सोने का टेम्पल है लेकिन चारों तरफ केवल वो पतली पतली परत होता है ना, वो उसे कवर है, और जो लक्ष्मी माता का है वो 17 kg प्योर गोल्ड का उनका स्टैचू है, और 1700 kg का सिल्वर का उनमें गणेश जी का स्कल्पचर है, और एक काऊ है, काऊ गाय और एक काऊ है गैया माता और एक काऊ है जो पूरा गोल्ड का नहीं। अगर आपको यहाँ पे आके विजिट करना है तो तमिलनाडु के वेलूर डिस्ट्रिक्ट में मेन टाउन में पड़ता है, यहाँ पे आके विजिट भी कर सकते हैं। और चलते हैं, कुछ थोड़ा भूख लगा है क्योंकि दोपहर को मैं खाया ही नहीं कुछ, मेरे डब्बे में वैसे इडली पड़ा है क्योंकि टाइम ही नहीं मिला है। और अब चलते हैं, कुछ कैसे सांभर ले लेते हैं, खरीद लेते हैं। ये टेम्पू वाले दिमाग ख़राब कर देते हैं हमारा, इनका जो आवाज़ होता है, इनको इलेक्ट्रिक चाहिए अब, ये धकधक धकधक। बाय बाय। तो आज वेलूर में ही हम नाइट अपना हॉल्ट करेंगे, और हमको एक प्लेस मिल गया, बेटर प्लेस, एक पार्किंग एरिया है। तो अभी गए थे हम सांभर के लिए, तो मैं 20 rupees का 2 सांभर ले लिया हूँ, और मेरे पास 12 इडलियाँ बची हुई हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि उतना तो मैं खा नहीं पाऊँगा, और सुबह तक रखूँगा तो ख़राब हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि आधा खा लूँगा मैं, और आधा किसी को डोनेट कर देते हैं। इसकी वजह से मैंने एक सांभर का जो पैकेट है वो एक्स्ट्रा ले लिया। तो अभी जा रहे हैं बस स्टैंड पर, वो किसी को डोनेट कर देंगे, ख़राब होने से अच्छा है। तो वही जा रहे हैं और बाद में हम खा लेंगे। ये प्यारा सा बस स्टैंड है, और समझे कि रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट को मिलाएंगे तो बस स्टैंड बनेगा। बहुत ही प्यारा बस स्टैंड है, अभी नया ओपनिंग हुआ है इसका, यहाँ पे किसी को देख रहे हैं भाई। किसी को खाना भी डोनेट करने के लिए खोजना पड़ रहा है, एक आदमी मिला लेकिन उसके पास खाना था, जस्ट खा के अभी उठा है उस, और वो अपना जो गार्बेज में अपना वो डाला है डब्बे में, तो नहीं मिल रहा है यार, खुद ही भिखारी बन के खाना पड़ेगा, सॉरी भिखारी बोल दिया, खुद ही खाना पड़ेगा। देरी से ढूंढ रहे थे लेकिन कोई नहीं मिला, खुद को भूख लग गया तब जा रहे हैं, पहले हम खा लेते हैं, अगर कोई को मिल गया तो दे देंगे, नहीं तो वहाँ पे एक गैया बैठी है उसको दे देंगे। और आज खाने में मेरे पास बहुत चीज़ें, चलिए आपको दिखाते हैं क्या क्या चीज़ है। आज मेरे पास 3-4 आइटम है, आज हमारे पास बहुत आइटम है। ये देखिए, इसमें 6 इडली और सांभर, और टिफिन में 6 इडली और सांभर, और ये देखिए चना भी हमारा पूरा ऐसे ही है, और यहाँ पे देखिए पनीर का पेटीज़ है अभी गर्म है ये भी, और एक मशरूम का पेटीज था तो मैं खा लिया हूँ, और ऐसा वाला दो था, ये जैम का, और जैम है अंदर और ब्रेड है, ऐसा भी दो था तो मैं खा लिया हूँ, एक एक खा लिया हूँ, इसको मॉर्निंग के लिए रखा हूँ क्योंकि ये जल्दी ख़राब नहीं होंगे। इडली का ये ज़्यादा टेंशन है, इसको मैं खा लेता हूँ और ये किसी को डोनेट कर देंगे। और ये अभी बचा हुआ है, कोई नहीं मिला है, अब जिसके नसीब में होगा उसी को मिलेगा। तो मैं काऊ को ले जाके डोनेट करूँगा, लेकिन पॉलीथीन पे तो मैं दे नहीं सकता, तो उसके लिए ये 20 मिनट तक मैंने ये बनाना क्लिप्स खोजे हैं, केरला में इसी पे लोग खाते हैं, ताज उसको भी इसके ऊपर दे देंगे। तो चलिए, वहाँ पे बैठी है, बस बैठी हो चली ना जाए, तो काऊ यहाँ पे बैठी है, चलिए उसके लिए प्लेट लगा देते हैं। वो भी भैया इसके पैसे मांग रहे थे, ये जो बनाना लिप्स हैं इसके भी पैसे मांग रहे थे, वो 2 रुपये। अरे क्या भाई साहब, मैं नहीं खाऊंगा, दूसरे को देने का है, काऊ को, उसको इशारा से करके वो बताया। देखिए उठ गई, रुक जाओ, मैं देता है तुरे को, सांभर भी देखा, रुक जा। ये सांभर ले ले, सांभर खा, सांभर के साथ खा। Yeah.
बस तो गैया को दे दिए, गैया सारी इडली खा गई है। तो फिलहाल मैं इस ब्लॉग को इन करता हूँ, आई होप आप लोग को पसंद आएगा, पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं जल्दी नए ब्लॉग में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।